अगर आप भी तलाश में रहते हैं कि OTT पे कब कुछ नया आए और आपको देखने को मिल जाए, तो वन सच कंटेंट जिसको आप एक्चुअली वेट कर सकते हैं जिसका, वो है IC 814 कांधार हाईजैक, जिसमें विजय वर्मा, नसीरुद्दीन शाह, पत्रलेखा, दिया मिर्जा जैसे कई कलाकार नजर आएंगे। तो चलिए, इसकी कास्ट के साथ एक खास मुलाकात इस खास अवसर पर तो बनती है। कभी आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर ऐसे लगा हो कि यार कब निकलेंगे बाहर इस सिचुएशन से? मुझे तो डेंटिस्ट क्या फील होता है, कब ये मुंह बंद करने देगा, मुंह खोल के लेते हैं बंद करने देना भाई। कई बार जहाँ जब वो लोग उड़ाते हैं ना, तो दूसरे रास्ते से लेके जाते हैं लंबा, तो चलो उतने ही पैसे में खूब घूम रहे हैं हम लोग, घुमाते रहो। ग्लासेस हाफ फुल वाले, इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, ये अलग है। गुलाब जामुन मेरी हवाई यात्रा जो निबंध है उस पे मैं लिखूंगा। ये गुलाब जामुन का असर है, ये गुलाब जामुन बोल रहा है। आप सभी का स्वागत है। दर्शकों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि वो SBS ओरिजिनल्स पर हो चुके हैं हाईजैक, वो भी इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट के साथ। आई थिंक अनुभव के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो ये कह सकती हूँ कि, और कुमुद सर तो एक सार्थक अनुभव रहा, अद्वितीय अनुभव रहा, अद्भुत अनुभव रहा। मेरा खुद का अपने साथ काम करने का बहुत अच्छा अनुभव रहा इस बार तो। काफी अच्छा अनुभव और काफी दिलचस्प अनुभव रहा। विजय, आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आप शायद पहले ऐसे पायलट होंगे जिसने प्लेन उड़ाई और हाईजैक हो गई। ये तुमने बहुत गलत किया वैसे। सुनना नहीं, मैंने क्या मतलब, आप तुमने पहली बार किरदार निभाया, वैसे पायलट बने तुम और तुमने हाईजैक करा दिया, इसको तुमको एक बार और पहले प्लेन उड़ाना चाहिए था। तो फिर लेकिन पहली बार सबको सेफ वापस घर पे भी लेके आया। क्या बात, क्या बात, क्या बात, हीरो बन के आया और पहली बार में सबको बचा के ले भी आया। कभी ऐसे हुआ है कि मतलब लाइक यू नो, शूट होने के बाद आपने ट्रैवल भी किया होगा फ्लाइट से यहाँ वहाँ ऑब्वियसली, तो कभी ऐसा मन किया कि आज तेरा भाई फ्लाइट उड़ाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इनफैक्ट अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है सब, कॉकपिट में जाके मिलना करना। इनफैक्ट मैंने ट्राई किया था जब मैं प्रेप कर रहा था सीरीज के लिए, मैंने भी बहुत जाके कि एयर होस्टेस वगैरह पहचान जाती हैं तो वो फोटो वोटो ले ही रही होती हैं, तो मैंने उनको बोला कि अंदर जाने देंगे क्या, तो कह रहे हैं सर इट्स नॉट अलाउड। आई सेड आप अंदर जाओ, कैप्टन को बोलो कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो बाहर आई और उसने बोले कि सर कैन यू जस्ट गो बैक टू योर सीट, ही वोंट, इट्स नॉट अलाउड। तो मैं बैठ गया अपनी सीट पर, थोड़ी देर में खुद पायलट आया, बोला कि मैं आपके साथ बैठ के आधी घंटा बात कर सकता हूँ लेकिन आपको अंदर नहीं लेके जा। आई वॉज डेटिंग वन गर्ल इन हैदराबाद और उसके घर पे टॉप गन के बहुत सारे पोस्टर थे, तो पता चला कि उसकी जो बड़ी कज़न सिस्टर है उसकी बड़ी, वो टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन देखने के बाद पायलट बनने का उसने डिसाइड किया। और जब मैं उनसे मिल रहा था तब वो ट्रेनिंग ले रही थी, अब वो कमर्शियल पायलट है और उसके परिवार में कुछ 3-4 लोग पायलट। तो बहुत जिम्मेदारी का काम है यार। मुझे नहीं कभी पायलट बनने की इच्छा थी, कभी नहीं थी मुझे। आप सभी से ये सवाल जानना चाहता हूँ कि ये जब घटना हुई थी सर 24 दिसंबर 1999, तो क्या उस वक्त आप लोग के जहन में क्या लम्हे, मतलब एक कि कुछ हुआ है, बहुत बड़ी घटना हो गई, उस वक्त की मनोस्थिति जानना चाहता था। मुझे पता है कि वो हुआ था और बट मैं बिजी था, जैसे आमतौर पर जो खराब नागरिक होते हैं देश के उनको ज़्यादा देश की चिंता नहीं रहती, उस वक्त मैं शायद वैसा नागरिक था, मेरा करियर, पैसे कमा रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था। पत्रा तो छोटी सी, एक दूसरे के याद हो गई, काफी छोटी थी, था ये वाकई छोटी थी। I was my father was watching the television and I saw the visual of the aircraft and the Talibani people with AK-47 and stuff, जो कि मेरे लिए एक नया विजुअल था, वो एक इमेज छप गई दिमाग में, उसके अलावा मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। ये साल आई थिंक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा बदलाव वाला साल था, क्योंकि 1999 दिसंबर में हम मुंबई आए थे, देश भर से लड़कियां आई थी मिस इंडिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और मैं यहाँ पे अकेले रह रही थी एज अ PG, साउथ मुंबई से यहाँ पे सबर्ब्स आना पड़ता था रोज़, अकेले एक नए शहर में अपने आप को संभालना, नेविगेट करना,
हर चीज़ को मैनेज करना, और उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू था वो ये था कि करंट न्यूज़ से जुड़े रहना, सब समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके कॉन्टेस्ट में ये सवाल आ सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से मैंने सारा न्यूज़ फॉलो किया, और जितने दिन ये घटना हुई मैं ज़्यादातर न्यूज़पेपर से मैं इसको फॉलो कर रहा था, और जैसा कि पूरे देश में चिंता थी, हमें भी चिंता थी और हमें भी परेशानी थी। फेलियर कहाँ थे, कहाँ से चूक हुई, इसके लिए तो सीरीज देखनी पड़ेगी पूरी, और उसमें भी कई सारे सच हैं। तो हर व्यक्ति जिस पेज से देखेगा, जिस जगह से देखेगा, वो अपना सच चुनेगा। तो जब भी आप सीरीज देखेंगे तो जैसे सर ने कहा है कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं थी, हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और हम उस इन्फॉर्मेशन पे अपनी कहानियां गढ़ते रहते हैं। ये 25 साल पुरानी बात है, तो जब आप रिसर्च भी करने जाते हैं ना, तो वो बोलने वाला मैंने बता दिया था उनको कि नहीं बताया था, वो खुद ही सोच रहा है आदमी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट है, बहुत जिम्मेदार आदमी है। तो मैंने एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि क्या आपने दिया को बता दिया था ऐसा हो गया है, तो उनको ठीक से नहीं याद आ रहा था, कैसे याद आएगा 25 साल पुरानी। अब मुझे उस सच को इंटरप्रेट करना पड़ेगा, फिर मुझे पत्रलेखा से पूछना पड़ेगा कि दिया को मालूम था, शायद मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। तो ये सारे जो आप जब भी हिस्ट्री को रिक्रिएट करते हैं, तो आप सच के जितने करीब पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दिया, आपने जैसे कि जोनिस का किरदार निभाया है, तो एक एक किसी की कोई खबर बता सकती हैं, सेट पे कुमुद सर, पत्रलेखा विजय? ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, हम लोग सिर्फ हाँ हमारे साथ में कोई सीन्स नहीं थे, तो आई रियली हैव नथिंग टू शेयर अदर देन द फैक्ट कि एक ऐसा दिन हमको मौका मिला कि हम सेट पे जाकर बस सबको देखें दूर से। एक सीक्वेंस है जब आप शो देखेंगे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे रॉ और जो सारे जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट के, साथ में मिलकर एक मीटिंग करते हैं, जिसमें सारे हमारे ये महारथी हैं उसमें, उस सीन में। तो बिहाइंड द सीन्स हम जाकर चुपचाप एक कोने में बैठकर उनको देखने के लिए चले गए थे। कभी आप लोग ऐसे कोई सिचुएशन में फंसे हो जहाँ पर ऐसा लगा हो कि यार कब निकलेंगे बाहर इस सिचुएशन से? मैं समुंदर में तैर रही थी और करंट ने पकड़ लिया था, तो एक टाइड होता है, और टाइड जब आपको पकड़ लेता है तो ऐसे लगता है कि 100 हाथ आपके पैरों को बांध के घसीट रहे हैं अंदर, तो यू स्टार्ट टू ड्राउन, यू कांट पुल योरसेल्फ अप बिकॉज यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू, और उस मोमेंट में आपको सिर्फ सरेंडर करना पड़ता है, और फिर इवेंचुअली द टाइड चेंजेस, वो जो पकड़ रखा हुआ था वो छूट जाता है, फिर आप आगे आ सकते हैं। Big life lesson also. पत्रलेखा, एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, जिस तरह से आपका किरदार हमने देखा कि एक कितने भी पैनिक सिचुएशन हो लेकिन वो संभालने की कोशिश करती है। फ्लाइट अटेंडेंट है, शी इज एन एयर हॉस्टेस, एंड जो भी केओस हो रहा है, जितने भी एयर हॉस्टेस है और स्टूअर्ड्स है, सारे इकट्ठे होके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट्स बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन। विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऐसा लगा कि ठीक है अभी ठीक हो जाएगा, पर जो वो 7 दिन एयर क्राफ्ट के अंदर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और इतने सारे लोग। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ABP News, आपको रखे आगे।